हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से विद कमल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज की इस वीडियो में ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का नया तरीका शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस ट्राउजर पैंट में मैंने फ्रंट में बेल्ट यूज की है, बैक में मैंने इलास्टिक डाला है और एक साइड पॉकेट भी लगाई है। और कैसे लेंथ, हिप राउंड और मुहरी के अकॉर्डिंग हम पूरी पैंट का नाप निकालेंगे वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए मुझे सिर्फ लेंथ, हिप राउंड और मुहरी का नाप पता था। उसके अकॉर्डिंग जो हमने लेंथ रखनी है वो है 36। उसमें मैंने 1 इंच की बेल्ट लगानी है, तो मैंने क्या किया है, 36 में 1 इंच माइनस करके उसमें 2.5 इंच प्लस किया है, जो कि 37.5 इंच आया है। और हिप राउंड जो है 44 है, तो हिप राउंड का जो विड्थ निकालने के लिए हमें 44 को 4 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। मेरा 13.5 इंचेज आया है। और जो हमें मुरी बनानी है वो मैं 7.5 इंच की फ्रंट पीस की कट करूँगी और बैक पीस की मैं 1.5 इंच प्लस करके कट करूँगी। और जो हमें क्रोच एरिया निकाला था, जो हमें हिप राउंड को 4 से डिवाइड आया था, वो हमें फ्रंट क्रोच कट करना है और बैक में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो अब हम इसे कट करते हैं। मैंने इसे सेंटर से फोल्ड किया है, एक विड्थ वाइज फोल्ड करके पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग, और उसमें से दूसरे पीस को इसके ऊपर रखा है। मैं आपको पेपर में समझाती हूँ मैंने इसे कैसे बिछाया है। मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है एक पूरी लेंथ वाइज, और उसको ऊपर से इसी तरह से मैंने फोल्ड करके रखा है। तो अभी हम मार्किंग शुरू करते हैं। और मेरी कटिंग विड्थ जो मैं निकाली थी 13.5 इंचेस, जो हिप राउंड को हमने 4 से डिवाइड करके उसमें 2.5 इंच की लूजिंग दी थी, उसी के अकॉर्डिंग 13.5 इंच पे मार्क लगा के लेंथ के अकॉर्डिंग हमें लाइन लगा लेनी है। और इसका हमें सेंटर मार्क करना है 13.5 इंच का, जो 6.7 इंचेस आया है। और पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग ये मार्क लगा के भी हमें लाइन लगा लेनी है एक, और ऊपर से हम फैब्रिक को सीधा कर देंगे। और ऊपर वाला फैब्रिक जो मैं 1.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि हमें बैक पीस बढ़ाना है फ्रंट पीस से। और इसकी जो मैंने आपको बताया था क्रोच एरिया मैं 11 इंचेस रखूंगी। इसी तरह दोनों तरफ साइड लगा के हमें ये लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। और शेप देने के लिए आसन की हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और एक लाइन ड्रॉ करके अब इसमें हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी ऊपर की मार्किंग हो गई। और अब हमें जो लाइन हमारी 1.5 इंच की 1.5 इंच वाली थी नीचे वाली, उसमें से हमें 37.5 इंच पे मार्क लगानी है लेंथ की। और मुरी की फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच पे मार्क लगा के लाइन लगाई है। और अब हम मुरी का मार्क लगाएंगे जो 7 इंचेस है, और मैंने दोनों साइड 3.5 इंच पे मार्क लगाया है। और इसी तरह से हमारे लेग शेप पर स्केल को रखते हुए मुरी के निशान के और जो हमारे क्रोचे निकाला था वहां तक रखते हुए इसी तरह से चौक से निशान लगा लेना है। अब पहले हम नीचे से कट करेंगे, और इस साइड से जो हमारे आसन की दूसरी तरफ की साइड है वहां से हमें इन चारों पीसेस को कट कर लेना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और जब हम मुरी कट करेंगे तो उसके लिए पहले हमें सीधा कर लेते हैं फैब्रिक को, और जितनी हमें मुरी रखनी है उससे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बाद में इसे कट करना है। आपको मुरी की कटिंग करते समय इसी तरह से कट करना है। तो हमने एक साइड से कट कर लिया है, अब हम फ्रंट पीस को कट करेंगे। मैंने एक पीस उठाया है ऊपर वाला, और उसमें हमें जो निशान लगाए थे उन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ऊपर वाला पीस कट करना है, नीचे वाले पीस को हमें नहीं कट करना है इस टाइम। और ऐसे ही एंड तक कट कर देंगे, और साइड से हम फैब्रिक को निकाल देंगे क्योंकि हमें बैक पीस की मार्किंग करनी है। तो हम इस लाइन को लंबा कर लेंगे, और बैक पीस की शेप के लिए मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाए हैं। और इसी तरह मार्क लगाते हुए हमें बॉक्स बना लेना है, और अब हमें शेप दे देनी है हमारे आसन के लिए। और मुहरी की तरफ से मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ, मैं हमें ऐसे ही 1.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। और हमारे लेग शेप पर स्केल की हेल्प से हमें इन मार्क के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको ऐसे ही कट करना है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ऊपर से हमें इसे तिरछा रखते हुए हमारे फ्रंट जो हमारा फ्रंट पीस है वहां तक मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इन मार्क्स के ऊपर हम इसे कट करेंगे। तो हमारे दोनों पीसों की कटिंग हो गई है,
और इसी तरह हमें मूरी के भी कट लगा लेने हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, जिससे हम जो फोल्ड करने में हमें आसानी होगी। अब हम इसके लिए बेल्ट कट करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बेल्ट की जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने 28 इंचेस रखी है, और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। और इसी तरह मार्क लगाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो हमने बेल्ट भी कट कर लिया, अब हम पॉकेट कट करेंगे। इसके लिए मैंने जो है 8 इंच फैब्रिक लिया है, और इसमें जो साइड वाला बॉर्डर है वो मैं निकाल दूंगी। और इसकी लेंथ जो मैंने 12.5 इंच पे मार्क लगाए हैं। और यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क लगाना है, और इसे इसी तरह से एंड पे मिला देना है तिरछा रखते हुए हमें, और शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने 1.5 इंच की शेप दी है, और ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, और हमारे पॉकेट होल के लिए मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। अब इन्हीं मार्क के ऊपर हमें हमारी पॉकेट कट कर लेनी है। और यहाँ पे हमें वी शेप के कट लगा देने हैं जहाँ पे हमारा पॉकेट होल आएगा। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें क्रोचे के जो आसन है उससे सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो मैं फ्रंट पीस का क्रोचेरिया अटैच कर रही हूँ सिलाई लगा के, और इस पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हमने जो फ्रंट पीस को अटैच कर लिया है, अब इसी फ्रंट पीस पे जो हमने सेंटर पे मार्क लगाए थे कटिंग के टाइम, वहाँ उसी मार्क के मैंने दोनों साइड 1-1 इंच पे मार्क लगाया है, क्योंकि हम प्लेट डालेंगे इस पे। और इसकी लेंथ जो है मैंने 5 इंच रखी है, और इसे इसी तरह शेप देके हम सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही मार्क हमें फ्रंट पीस के दूसरी तरफ भी लगाना है, तो मैं वी शेप में कट लगा के ये निशान लगा लूँगी, जिससे दूसरी तरफ मार्किंग करने में आसानी हो। तो मैंने दूसरी तरफ भी मार्किंग कर ली है, अब इन्हीं मार्क के ऊपर हमें प्लेट डाल लेनी है। तो हमें इसी तरह दोनों तरफ प्लेट्स डाल लेनी है, और हमें बैक पीस पे भी सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है इसी तरह से। और अब हम फ्रंट पीस पे पॉकेट अटैच करेंगे। तो हमें पॉकेट के एक पीस को उठाना है, और उसकी सीधी जो साइड है वो हमारे पैंट के भी सीधी साइड की तरफ होनी चाहिए, और जो कर्व शेप है वो हमारे आसन की तरफ होनी चाहिए। और इसी तरह आधे आधे इंच पे मार्क लगाते हुए हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं, और इसी शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है पॉकेट लगाते टाइम। और जहाँ पे हमारे कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पे हमें इसी तरह से कट लगाने हैं, और हमें जो हमारे कट लगाए हैं वो वाला फैब्रिक हमें पॉकेट की तरफ करते हुए पॉकेट वाली साइड ही हमें सिलाई लगानी है ये वाली। और अब हम जो है पॉकेट के फैब्रिक को पीछे की तरफ ऐसी तरह से उल्टा लेंगे, और इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है पॉकेट को। आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं इसे, और इसी तरह हमें इसके एजेस पे सिलाई लगाएंगे। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है इसके एजेस पे, तो हम इसे पॉकेट को इसी तरह बाहर की तरफ निकालेंगे, और जो हमारे दूसरी साइड थी पॉकेट की उसको नीचे की तरफ रखेंगे इसके, और इसके किनारे पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने सिलाई लगा ली है, और जहाँ पे हमारी शेप आ रही है, ये गोलाई आ रही है, वहाँ पे हमें वी शेप के कट भी लगा लेने हैं। और अब जो है हम इसको सीधा कर लेंगे, पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
और इसी की तरह इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी इसी टाइम आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है और हमें ये पीछे की तरफ हमारी पॉकेट को सेट कर लेना है और एक ऊपर की तरफ हम इसे सिलाई लगाएंगे और एक हमें साइड की तरफ लगा लेनी है। तो हमारी पॉकेट भी अटैच हो गई है अभी और अब हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमें पहले हमारे फ्रंट पीस को देख लेना है जो कि 20 इंचेस है और इसी तरह मैंने जो बुकरम का जो बेस्टिंग बुकरम वो भी मैंने 20 इंचेस ही कट की है और इसकी विड्थ जो है 1.2 इंचेस है और हमें इसे कपड़े पे इसी तरह प्रेस करके चिपका लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इसी तरह से कट कर लेना है। हमें उतना ही रखना फैब्रिक जितना हमारा सिलाई में आएगा। तो अब हमें फ्रंट पीस पे इसे अटैच करेंगे। मैंने फ्रंट पीस को जो है उल्टा कर लिया है और हमें हमारी बेल्ट को इसी तरह से रखना है जैसा मैंने आपको दिखाया है और इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है एंड तक। और अब हम हमारी बेल्ट को सीधी तरफ कर लेंगे और सीधी तरफ करने के बाद हमें सिलाई मार्जिन को बेल्ट की तरफ करना है और ऊपर से फोल्ड करते हुए हमारी बेल्ट को इसी तरह घुमाना है और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। मैंने फुल डिटेल में आपको कोशिश की है बताने की। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारी बेल्ट भी अटैच हो गई। आप देखिए कितनी सफाई के साथ हमने बेल्ट को लगा लिया है। ये हमारी पॉकेट भी बहुत अच्छे से लगी है। अभी हमें बैक पीस पे बेल्ट अटैच करनी है। तो हमें जो है बैक पीस को सीधी साइड से हम बेल्ट लगा रहे हैं। हमने जो फ्रंट पीस पे बेल्ट हमने उल्टी साइड से लगाई थी और इसे भी इसी तरह टॉप से एंड तक सिलाई लगा लेनी है। और अब जो है हम दोनों फ्रंट और बैक पीस की साइड की सिलाई लगाएंगे। मैं इसी तरह दोनों फैब्रिक को पकड़ के नीचे से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और जहां तक हमारी बेल्ट आ रही है हमें वहां तक ही ये सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह हमें इस तरफ भी लगा लेनी है सिलाई और जहाँ पे हमारी पॉकेट है वहां से हमें ध्यान से सिलाई लगाने की, हमारी पॉकेट के ऊपर सिलाई ना आए, हमें थोड़ी सी उससे आके ही लगानी है एक पॉइंट। और जहां तक हमारी बेल्ट है फ्रंट पीस की वहां तक ही हमें ये वाली सिलाई लगानी है। और अब हम सेंटर से भी सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों पीस के सेंटर पे भी सिलाई लगा ली है और अब हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए जो मैंने इलास्टिक लिया है वो मैंने 1 इंच विड्थ वाला लिया है और ये मैंने 14.5 इंचेस लिया है इलास्टिक। कोई इलास्टिक लगाने के लिए भी नया मेथड बताऊंगी। हमें पीछे की तरफ इलास्टिक रखना है बैक पीस की तरफ और आगे से हमारी बेल्ट को ऊपर की तरफ घुमाना है, पीछे वाली जो हमारी बेल्ट की एक्स्ट्रा फैब्रिक था, और इसे हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है हमारी बेल्ट के साथ इलास्टिक को। और जो नीचे वाला फैब्रिक शो हो रहा है वो हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अभी मैं दूसरी तरफ भी आपको बताती हूँ। हमें इसी तरह हमारी बेल्ट की पिछली साइड रखना है और हमारे बेल्ट के कपड़े को फ्रंट पीस के ऊपर फोल्ड करते हुए इसी तरह से रखना है जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और इसके सिलाई लगा के हमें इसे अटैच कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसे इसी तरह से फैब्रिक को ऊपर से घुमा लेना है दोनों साइड से और इसी तरह हमें इसे फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे एंड तक सिलाई लगानी है। हम इस ध्यान रख रहे कि हमारा इलास्टिक बीच में ना आए। तो मैंने इसकी जो है एंड तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अच्छे से 3-4 बार स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे इसी तरह से पकड़ते हुए। हमारे
हमारे हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है, आप देखिए बहुत अच्छे से हमारी बेल्ट रेडी हुई है, बिल्कुल रेडीमेड लुक लग रही है हमारी ट्राउजर पैंट की। और अब हमें इसी मूरी को भी फोल्ड कर लेना है। हमें जितना हमें कटिंग के टाइम मार्क लगाए थे वो हमें सीधी तरफ ऐसी तरह से लगाने हैं फोल्ड करते हुए। ये मार्क मैं दोनों साइड लगा लूँगी और इसी तरह फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। तो अभी हमारी जो है पैंट रेडी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो ये हमारी वीडियो की फाइनल लुक, और इसमें मैंने आपको नए मेथड भी बताए हैं कटिंग के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरी वीडियो पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।